मेरी चिंता करने वाले उन सभी महान आत्माओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए आप। मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दीजिए। मैं एक देशभक्त हूँ, धर्मप्रिय व्यक्ति हूँ और मुझे जो योग्य लगता है मैं वो करता हूँ। और यदि मेरे उन क्रियाओं में यदि आपको दोष नज़र आता है तो स्वाभाविक है कि आप उसके ऊपर कटाक्ष करोगे। वो आपका नैतिक अधिकार है कि आप किसी की कमजोरियाँ देखते हो तो आपको बोलने का राइट है, अधिकार है। लेकिन इससे पहले अपने आप को भी तौल लेना कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो या फिर आपकी दिशा ही विपरीत है। क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मैं मेरी दिशा सही आंकता हूँ और सही दिशा में मैं अपना रास्ता और मेरा पथ मैं चुनता हूँ। मैं साधक हूँ, साधना करता हूँ तो स्वयं में लीन होता हूँ। मुझे दुनिया की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है और मैं स्वयं में लीन हो जाता हूँ। वो मेरा अपना विषय है। मैं एक साधक हूँ, साधना के समय में साधक, उपदेश के समय में सन्यासी हूँ। और जब मैं आप लोगों के साथ मुखातिब होकर के रूबरू चर्चा करता हूँ तो मैं आपका मित्र हूँ। और जब भी मेरे देश या देव या धर्म के प्रति यदि कोई व्यक्ति विकृत कटाक्ष करता है या उसको कलंकित करने का प्रयास करता है तो मैं एक देशभक्त हूँ, क्रांतिकारी हूँ और मैं उस समय सन्यासी कदापि नहीं रहता हूँ। ना मुझे रहने की उस समय इच्छा होती है। जिस समय की मांग हो उसी समय के अनुकूल मैं अपना व्यवहार करता हूँ। अब जब मैंने मेरा एक वीडियो आया था जब मैंने कश्मीर के लिए बोला था तो हज़ारों लोगों ने उसे देखा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों से सहमत हो और हो ही, ये नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी सभी बातों को पसंद करने वाले सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है ना। मैं किसी के लिए ये कहूँगा कि आप मेरी पोस्ट को लाइक करो और पसंद करो, कमेंट्स करो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपना कार्य जो अविरल रूप से करता हूँ और करता था, करता रहूँगा। बस आप सर से इतना मेहरबानी करके इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना विषय है वो मुझे प्रिय है, वो मैं करता हूँ। कुर्सी पर बैठ करके विषय निकाला तो कहने लगे कि कुर्सी पर मेरा नहीं, तुम्हें कुर्सी नज़र आ रही, मेरे उपदेश नज़र नहीं आ रही, मेरी देशभक्ति नज़र नहीं आई। चलते हुए वीडियो निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं एक भी पल का दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग ही करता हूँ। रास्ते में चल रहा हूँ, तत्वों की चर्चा करूँगा, अध्यात्म की चर्चा करूँगा, देश हित की बातें करूँगा, देश की चर्चा करूँगा। यह मेरा अपना खुद का एक नज़रिया है कि मैं समय का पूर्ण जो योगदान मुझे देता है समय, मैं उसका लाभ लेता हूँ। क्योंकि मृत्यु के समय तक जितनी भी चर्चा मुझे देश के लिए, देव के लिए, धर्म के लिए और स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए करनी है वो मैं करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ बोलता है। यदि कोई मुझे फूल देता है तो स्वाभाविक है कि फूल के नीचे कांटे हैं तो कुछ लोगों के जिम्मे वो कांटे भी आते हैं, तो उनका कार्य वो कांटा ही चुभाएगा और मुझे उसका दर्द महसूस भी नहीं होता है क्योंकि रच पच चुका हूँ मैं उन चीज़ों में। मैं एक देश हित की बातें करने वाला सन्यासी हूँ। मैं अपना नहीं सोचता, मैं अपने बारे में नहीं सोचता, इसीलिए ना मुझे मेरे आश्रम की चिंता है, ना मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे नाम का कोई रुतबा बढ़े, कायम हो, इसका भी कोई मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं एक साधक हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सभी से कि आप जो विचार मेरे हमारे इस वॉल पर आते हैं, उस वॉल पर सभी प्रकार का आपको भोजन मिलेगा। सिर्फ दाल चावल आप रोज खाओगे ना तो कंटाड़ जाओगे, उब जाओगे। मैं आपको हर चीज़ वो देता हूँ जो चीज़ मेरे हृदय में होती है, जो मैंने अनुभव की हुई है प्रत्यक्ष बातें, उन सभी बातों को मैं आप तक पहुँचाता और पहुँचाता था और पहुँचाते ही रहूँगा। आपको यदि वो अच्छा नहीं लगता है तो आपका अपना विषय है। मैं निमंत्रण सिर्फ उन्हीं को देता हूँ मेरे वॉल पर आने का जिनके मन के अंदर देश की, देव की और धर्म के प्रति समीचीन आस्था है। और यदि कोई व्यक्ति गलत चर्चा करता है, गलत बात करता है तो उसको गलत सुनना ही पड़ेगा। यदि कोई लोग वहाँ जो मुझे चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं तो गलत सुनना भी पड़ेगा। यदि मेरी नज़र उस कमेंट्स पर जाती है या मेरे शिष्यों की नज़र उस कमेंट्स पर जाती है तो हम गलत कमेंट्स करने वाले को ब्लॉक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्योंकि कौन तुम्हारे साथ में माथापच्ची करता रहेगा। हज़ारों काम होते हैं हमारे पीछे, हज़ारों लोगों के साथ में मिलना जुलना होता है, सभी के लिए मेरे को समय देना आवश्यक होता है। तो मैं इस सोशल वेबसाइट का, सोशल साइट का, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इसका सदुपयोग करता हूँ और करता था और करता रहूँगा। मैं आपसे कोई पेमेंट लेकर के ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई पेमेंट दे रहा हूँ। आप जिनके भी भक्त हो, जिनके भी चाहने वाले हो, जो भी आपका गुरु हो, वो आप उनकी भक्ति करते रहिए। लेकिन इतना याद रखिए कि व्यक्तिगत रूप से यदि आप कटाक्ष करते हो तो ये आपके सेहत के लिए भी थोड़ा सही नहीं रहेगा। यदि आप किसी की भक्ति करते हो तो अच्छा है, करते रहो, चाहे तेरा पंथ हो, चाहे बीस पंथ हो, चाहे कहान पंथी हो, चाहे किसी मुल्लावारी ही क्यों ना हो।
जो करना है करिए, मैं आपको उस चर्चाओं में बाधक नहीं बनने वाला हूँ, जो करना है आपको करे। यदि मैं मेरी चर्चाओं में यदि आपको विकृति नजर आती है तो स्वाभाविक है आप बोलिए, लेकिन पहले खुद को अवश्य तोल लेंगे। और यह जो मेरा वॉल है, इस वॉल पर हर प्रकार की चर्चा मैं करता हूँ, केवल घर देश की और धर्म की बातें नहीं होती, यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव की बातें होती है। मेरे कुछ पेज है, कुछ ग्रुप है, जिसमें तंत्र मंत्रों की भी चर्चा करता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कविताएं मेरे लेख होते हैं, जो मेरे अपने स्वयं के कॉपी पेस्ट में मैं विश्वास नहीं करता। लोग मेरी कॉपी पेस्ट करें तो मुझे आनंद होगा, मैं तुम्हारी कॉपी पेस्ट करने में अपने आप को आनंदित नहीं मानता। जो विचार मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं थोड़ा उसको मेरे शब्दों से परिवर्तित कर मैं भले ही उसको लेता हूँ। ये तो सदियों से चलता हुआ आया है, भगवंतों का ज्ञान भी उधारी का ज्ञान है, मेरा भी ज्ञान उधारी का ज्ञान है, केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन उस केवल ज्ञान को पाने के लिए भी उधारी का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि चौथा मना पर है ज्ञान भी उधारी का ज्ञान है, साधना के बल पर प्राप्त हुआ है, लेकिन जो पंचम ज्ञान है उस ज्ञान को पाने के लिए आपको तपस्या और साधना से गुजरना होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि बिना किसी प्रकार की वाद विवाद और तर्क किए इस हमारे वॉल का आनंद लीजिए। आपको यहाँ हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको आपके जीवन में जब भी कोई विकृत परिस्थिति आएगी तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा, इसका मुझे गारंटी है। यदि आप गलत चर्चा करते हो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ जो पाने वाले हो, जो कुछ आपको मिलने वाला था, उससे आप वंचित रह जाओगे। मेरा सभी उन सदस्यों को आशीर्वाद, उन भक्तों को आशीर्वाद, उन शिष्यों को आशीर्वाद जो मुझे सजेशन देते हैं कि अरे चलते हुए बात ना करो। भाई मैं चलते हुए बात करूंगा, सोते हुए भी बात करूंगा, बैठे हुए बात करूंगा, कुर्सी पर बैठे हुए बात करूंगा, हवा में उड़ता रहूंगा तभी भी बात करूंगा। हाँ, जय पारसनाथ, जय माँ भारती, सभी को मेरा हृदय से आशीर्वाद, खुश रहिए।